Hi guys, I hope you all are doing great. My name is Manisha and welcome back to my channel Manisha Styling Tips. So आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना मीशो फुटवेयर हॉल शेयर करने वाली हूँ. तो मेरे पास 3 से 4 पीसेज हैं जो मैंने मीशो से ऑर्डर करे हैं. सो उनका ही रिव्यू मैं आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. अगर आप इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो कीप ऑन वॉचिंग. और उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दीज आर द फर्स्ट हील्स. ये ट्रांसपेरेंट ऑलिव ग्रीन कलर में हैं और ये इनकी हील साइज़ है. सो यस, ये जब जिस टाइम पे भी ऑर्डर मैंने किया था उस टाइम पर ट्रांसपेरेंट हील्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था. तो उस टाइम पे ऑर्डर किया था और काफ़ी प्रिटी ऑलिव ग्रीन कलर में. इसमें और भी कलर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो. लिंक वगैरह मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. नाउ अब बात करते हैं इसकी. जो इसकी क्वालिटी है अमेजिंग है. आई थिंक ये 1.5 ईयर से है मेरे पास और क्वालिटी बहुत अमेजिंग है. कंफर्टेबल है, 10/10 है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है इसकी. और एक चीज़ जो मुझे ख़राब लगती है वो है इसके जो ये हील्स हैं इनमें ये जो हील्स वगैरह इन्होंने टकिंग करी हैं वो शो होता है थोड़ा सा. बट अगर आप लहंगा वगैरह साड़ी वगैरह पहनते हैं तो वो भी शो नहीं होगा. सो या दीज आर द फर्स्ट वन और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप चेकआउट कर लेना. ऑफ वाइट एंड पिंक कलर के शूज़ जो कि स्पोर्ट्स शूज़ जिन्हें आप कह सकते हो. सो यस, ये हैं दीज आर द शूज़ और इनकी भी क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है. और इसका जो ये वाला फैब्रिक है काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है, लाइक अच्छा है क्वालिटी वाइज तो मैं बात करूँगी. और ये काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं यार इसको, स्ट्रेची काइंड ऑफ मटेरियल है, लाइक बहुत अच्छा है ये. और वॉशेबल है तो वॉश कर सकते हो आप इसको. और जो इसका प्राइस है वो आई गेस 413 रुपीज़ है, लाइक 413 रुपीज़. और जो ये हील्स थी वो आई थिंक 360 के अराउंड थी, लाइक मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है. बट अभी भी काफ़ी अच्छे प्राइस में है, अंडर 500. सो या दीज आर द सेकेंड वन और क्वालिटी वाइज अच्छी है ये भी. और 10/10 वो तो देखने पहनने के बाद ही पता चलेगा. सो या दीज आर द सेकेंड वन. थर्ड वन इज़ दिस वाइट कलर के थोड़े से प्रिंटेड स्नीकर्स. सो या ये भी आई थिंक 1.5 ईयर और 2 ईयर्स पहले के खरीदे हुए हैं. सो या दी ये ऐसे दिख रहे होंगे अभी. बट या ये भी काफ़ी अच्छी अमेजिंग क्वालिटी के साथ आए थे. बस दिक्कत ये है कि लाइक ये थोड़ा सा पीछे से ये देख सकते हो आप, इस तरीके से कुछ हो रहा है इसमें, लाइक छूट रहा है जो भी इसका काम था उसके ऊपर. सो या अच्छे ही थे ये भी जब स्टार्टिंग में आए हुए थे तो. बट अब अराउंड 2 साल होने वाले हैं. सो यस, 2 साल भी, लाइक 1.5 ईयर भी चल गए, 2 साल पूरे होने वाले हैं. तो ये मतलब क्वालिटी वाइज ठीक है कि 2 साल चल गया, अंडर 500 है तो या और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो मीशो से. सो यस, दीज आर द थर्ड वन और क्वालिटी वाइज 7/10 दूंगी मैं. बट या कंफर्टेबल थे, अमेजिंग थे और पहनने में भी काफ़ी अच्छे. सो या दीज आर द, स्क्रॉल करते करते मैंने ऑर्डर कर दिए थे. सो दीज आर द थर्ड वन और ये सबसे अमेजिंग लगे थे मुझे बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न. ये काफ़ी अच्छा लाइक नॉट पैटर्न में है. सो यस, और इसकी हील्स भी काफ़ी अच्छी थी. मैं उतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ हील्स की, बट मैंने ग्रीन कलर में ही ऑर्डर करी क्योंकि मुझे ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था. इसमें भी आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे. बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये ऐसा सा कुछ, इसकी क्वालिटी में ये डिफेक्ट आया है और ये दोनों में ही है. एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस जो ये हील्स हैं वो अमेजिंग है, फिट वगैरह भी सब कुछ अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा है. बस इसकी ये क्वालिटी इतनी गंदी है, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था. बट ये सब ये आ चुके हैं और मैंने ना रिटर्न किया ना कुछ भी किया, मैंने रख लिया क्योंकि मैं इसे फेविक्विक वगैरह लगा करके यूज़ कर लूँगी. इसकी अगर आप कुछ ले रहे हो, पे कर रहे हो उसके बदले में, तो आप एक अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हो. सो यस, मुझे सब कुछ अच्छा लगा इसमें. बट यही था कि ये इशू था. बट ये भी ऐसा है कि मतलब काम चल जाएगा, बट स्टिल अगर मतलब कोई लेना चाहे और ऐसी क्वालिटी उसे रिसीव हो तो फिर ट्रस्ट नहीं रह जाता है. सो वो वाली चीज़ है. सो या दीज आर द फोर्थ. तो लास्ट वन है वो मीशो से नहीं है. यस, ये मीशो से नहीं है. सो दीज आर द, ये भी मैं कह रही हूँ ना ऑलिव ग्रीन से मेरा अलग ही लेवल का कनेक्शन है. सो या दीज आर द हील्स और ये मतलब हील्स नहीं है, सॉरी फ्लैट्स. सो या दीज आर द लास्ट वन. बट ये मीशो से नहीं है, बट मैंने इसकी पिक अपलोड करी मीशो पे तो ये मीशो पे अवेलेबल दिखा रहा था. अब मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है जस्ट फॉर 100 रुपीज़. और ये 100 रुपीज़ वाली क्वालिटी देख सकते हो आप कितनी गंदी, ये देख सकते हो ये चारों तरफ से ये उखड़ रहा है
और बहुत ही मतलब लो क्वालिटी है, बहुत ही गंदी। बट यस, ये मीशो से नहीं है, मार्केट से है। सो थोड़ा बहुत तो मार्केट और मीशो में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। सो यस, इसके भी कोड्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इनकेस आप चेकआउट करना चाहते हो कर सकते हो। और मीशो की मैं गारंटी नहीं ले सकती, ऑफकोर्स कुछ चीज़ें मुझे अच्छी रिसीव हुई हैं, कुछ में मुझे इशू है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, आई होप मेरा रिव्यू आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। सो या, और अगर ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मीशो की किसी और कैटेगरी में चाहते हैं कि मैं रिव्यू अपना शेयर करूँ तो वो भी कॉमेंट करके बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।